सोच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। जमुई में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जदयू विधायक दामोदर रावत एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शैलेश साह संग अन्य लोगों ने रैली निकाली। झाझा नगर में भ्रमण कर जदयू विधायक दामोदर रावत ने कहा महंगाई चरम पर है, तो वहीं इस दौरान झाझा नगर अध्यक्ष शशिकांत झा, पूर्व नगर अध्यक्ष छेदी पासवान और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी का विरोध जताते हुए रैली को संबोधित किया। भारत की सरकार जिस प्रकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, इन बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इन सारे मुद्दों के को लेकर हम लोग जनता दल यू के सभी साथी आज यहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए। जो भारत की सरकार है वह संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है और देश में बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी ने एक बार फिर जेडीयू पर हमला बोला है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2024 में जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस पर बिहार से सफाया हो जाएगा और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बता दें कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने लालू नीतीश पर भी हमला बोला। सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इस मुलाकात का एक फोटो तक जारी नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है, सत्ता में बैठे लोग ही इसके सूत्रधार हैं, प्रदेश को अराजकता में झोंकने की कोशिश की जा रही है। बयान को ललन बाबू जिस तरह से परोस रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए कि गृह मंत्री जी ने पैसा भेजा, आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया और वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, पटना से लेकर के दर्जनों प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार अपनी खामी को छुपा करके भरमाने का और बचाने का प्रयास करता है। आज गृह मंत्री जी ने जो काम किए हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, पूरा देश नमन करता है। खबर पटना से है जहां नीतीश कुमार ने अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि वो सिर्फ भाषण देकर चले गए, हम लोग बोलने में नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द पूर्णिया में जाकर रैली करने वाले हैं। साथ ही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कहा कि हमारी सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई है, हम जल्द फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो भी बात होगा वह आप सबको बताएंगे। हम लोग तो जब जाते हैं वहाँ एक एक चीज़ को देखते हैं और सारी बात हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ पर बाकी जो हम लोगों को करना था उसको जाने का रास्ता जाकर देख ना लीजिए। और यहाँ पर तो बनाना है तो उन लोगों को जल्दी कर देना है। जमीन नहीं भी देने की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। जमीन से बात कुछ मालूम है अभी भी आप जरा देख लीजिए, जहाँ पर है ना रास्ता उसके ठीक आगे बगल में जमीन हम लोग करके और वहाँ पर ही लोग आएगा, वहीं से अंदर आएगा, तब कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। नालंदा जिला पूजा समिति के अध्यक्ष भोसू भाई यादव ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र के अखाड़ा पर बैठक कर पूजा समिति की नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें परमेश्वर कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुवार को माँ की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा, बल्कि शुक्रवार को माँ की प्रतिमा का विसर्जन होगा। साथ ही पूजा समिति के लोगों ने पूजा की तैयारियों पर भी चर्चा की। तो मैं सबको यही बताऊंगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा हमेशा पूजा समिति को सहयोग करते आया है और करते रहेगी। और बात रही कि बृहस्पतिवार को उठाने के लिए, तो
तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बृहस्पतिवार को एकदम नहीं उठेगा। मैंने डीएम साहब और एसपी साहब को जो भी शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी उसमें मैंने साफ तौर से कहा है कि 7 तारीख को ही विसर्जन होना है, और बाकी प्रशासन अपने हिसाब से जो दबाव बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और मैं तो प्रशासन की बात को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं अपना धर्म को लेकर चलता हूँ और अपने समाज को लेकर चलता हूँ। जो हमारा समाज निर्णय करता है हम उसी को बात को फॉलो करते हैं। यार जो भी व्यक्ति जो भी बोलते हैं, मैं बोलने पर नहीं मैं करने पर विश्वास रखता हूँ, और मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आज हमने पूजा समिति से इस्तीफा दिया है, और हमारे परमेश्वर बाबू जिलाध्यक्ष बने हैं। मैं तमाम भाइयों से यही कहूँगा कि आप परमेश्वर जी को हाथ मजबूत कीजिए, और नवादा के नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती, सदर एसडीपीओ उपेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में की गई। बैठक में शांति समिति के दर्जनों सदस्य शामिल हुए। इस दौरान एसडीपीओ उपेंद्र प्रसाद ने लोगों से असली भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों में इसे शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने के लिए कहा। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजनी कुमार, अचला अधिकारी शिव शंकर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दुर्गा पूजा के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। सारे पंडाल के लोग आए थे, उनको मुख्य रूप से सारी बातों से अवगत कराया गया जो सरकार का दिशा निर्देश है कि आप कृपया डीजे नहीं बजाएं और पंडाल में फायर टेंडर्स रखें, उसके बाद पंडाल में आप इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था देख लें, भीड़ अगर होती है तो आप महिलाओं पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था रखें पूजा के लिए, उसके बाद वॉलंटियर्स रखें, आप जुलूस जो निकालें उसमें किसी भी हथियार का प्रयोग ना करें, डीजे ना बजाएं, कोई सांप्रदायिक भड़काव वाले गाना नहीं बजाएं, और जुलूस को का जो विहित मार्ग है स्पेसिफाइड जो रूट है उसी रूट में शांतिपूर्वक आ भी सकें। पटना में जेडीयू का जागरूकता एवं सतर्कता मार्च समाप्त हो चुका है, जिसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में आज मूल समस्या महंगाई है, खाद्यान्न पर जीएसटी लगाया जा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। तो वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद पर ललन सिंह ने कहा कई जोरदार तंज कसे, तो चलिए सुनते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने और क्या कुछ कहा है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के सामने, वो चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे बिहार में घूम घूम के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेंगे, पूरे बिहार में घूम घूम के धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे। मूल समस्या जो महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, रुपये का अवमूल्यन, ये सब पर चर्चा नहीं होने देंगे। और हम लोगों का दायित्व है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, कि एक तरफ हम इनके किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास को, धार्मिक उन्माद के खिलाफ जो इनका प्रयास फैलाने का जो इनका प्रयास है उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और उसके साथ साथ जो आज की मूल समस्याएं हैं महंगाई बेरोजगारी उसको जनता के सामने रखेंगे, और उस पर जनता में उस पर विवाद विचार कराने का और जनता में उस पर डिबेट कराने का हम प्रयास करेंगे। आज जो सबसे बड़ा खबर भागलपुर से है, जहां पीरपैंती प्रखंड में जेडीयू पीरपैंती द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश को पर्दाफाश करने के लिए सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया। ये मार्च जेडीयू अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता के नेतृत्व में कार्यालय पीरपैंती में से शेरमारी बाजार चौक होते हुए रेफरल अस्पताल मोड़ तक निकाला गया। इस मौके पर महिला जिला अध्यक्ष एवं काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज सतर्कता जागरूकता मार्च निकाला है हमने, इसके पीछे का राज यही है कि हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बिहार में ईमानदारी से अच्छे से हम लोगों के बीच नेतृत्व किया है, हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर उन्होंने चला है, हमें अति पिछड़ों को, महिलाओं को सम्मान दिया है, इसलिए हम चाहेंगे पूरे देश में वो सम्मान मिले।
यह मुद्दा है कि जो बीजेपी के द्वारा समाज में बेमनस्ता फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग सतर्कता एवं जागरूकता आज पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में मनाया जा रहा है। खबर आरा से है जहां सुशासन बाबू की सरकार में सालों से लागू शराबबंदी की पोल उनके सरकार के रक्षक और कानून का पाठ पढ़ाने वाले खोल कर रख दी। बता दें कि नीतीश कुमार के कानून की रक्षा करने वालों की पोल उस समय खुल गई जब शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब जैसे ही जानकी बाजार पहुंची तो कुछ लोगों ने शराब तस्कर को पकड़ लिया। तस्करी में कुल 4 लोग शामिल थे, लेकिन 3 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, जबकि एक तस्कर ग्रामीणों के हाथे चढ़ गया और सारी पोल खोल कर रख दी। तो वहीं ये मामला भोजपुर एसपी के संज्ञान में आने के बाद कोई लवर इंस्पेक्टर और कृष्णगढ़ थाना प्रभारी की एक टीम बनाकर इसकी जाँच करने का जिम्मा सौंप दिया गया। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पवरा पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन है। ये पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। मां बराही रूप में यहां विराजमान है। इनका वाहन महिष है। यहाँ पर बलि में बकरा तो चढ़ाया जाता है, परंतु इसका वध नहीं किया जाता। बलि की ये सात्विक परंपरा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं जाती। तो वहीं भगवानपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुंडेश्वरी धाम परिसर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 22 जगहों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो उधर मुंडेश्वरी धाम के पुजारी बताते हैं कि विश्व विख्यात यह माँ मुंडेश्वरी का धाम है, जो अष्टकोणी रूप में विराजमान है। हम लोग कुदरा से माता मुंडेश्वरी का दर्शन करने के लिए आए हैं। माता की अद्भुत कृपा से हम लोग का बहुत मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है और लगातार विगत वर्षों से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? कम से कम 10 सालों से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और माता की अद्भुत कृपा रही है कि हम लोग यहाँ हमेशा आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बकरा बलि होता है और जगह भी होता है, क्या अंतर देखते हैं? नहीं नहीं, यहाँ का बकरा बलि बहुत अच्छा तरह से होता है। माँ के छत से ही यहाँ बकरा के बलि दिया जाता है, जो कि अद्भुत पूर्ण है। जानकारी हमारे गांव के ही छोटे भाई आए थे लगभग 7-8 महीना पहले। तो आज शरद नवरात्रि का पहला दिन था, तो हम सब ये भाई बंधु सोचे कि माता के दरबार में चला जाए। महत्व माता बहुत जगते हैं यहाँ पे, जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूरी होती है। यहाँ पे जो है रक्तहीन बलि होती है, क्योंकि बिना काटे ही जो है यहाँ पे माता जी जो है बलि स्वीकार कर लेती है। यहाँ जो है ना प्रत्यक्ष शक्ति जो है देखने को मिलता है बलि का, ऐसा कहीं नहीं मिलता है। यहाँ केवल माता मुंडेश्वरी के दरबार में ही जो ऐसा जो है चमत्कार जो है देखने को मिलता है, जो कि माता जी के चरणों में बकरा जो है लिटा कर एक फूल जो है उठा के पुजारी जी उसके शरीर पे रख देते हैं, एकदम मृतक के समान पड़ा रहता है। जब तक कि फिर से द्वार ना छोड़े तब तक वो खड़ा नहीं हो सकता है। यह माता जी का प्रत्यक्ष शक्ति है। ये माता जी का चमत्कार जो है देखने को मिलता है माँ मुंडेश्वरी के दरबार में। यहाँ तो जो है पूरा भारतवर्ष से आते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड हो गया, जो भी तमाम जो है अगल बगल के जो है जी यहाँ विदेश से भी आते हैं। हाँ, ये माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। हाँ, हर चौक पॉइंट पे फोर्स लगाया गया है। सिविल में भी फोर्स घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ लफंगे का भी कमी नहीं होता। इसके लिए मैं हर तरह से अपने प्रशासन को लगा रखा हूँ। हर जगह मजिस्ट्रेट लगा हुआ है और यहाँ मेडिकल टीम भी है, हर चीज़ का व्यवस्था किया हुआ है। खबर पटना से है जहां पीएफआई संगठन को बैन करने के बाद राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि जेडीयू ने केंद्र सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि उनको बताना चाहिए पीएफआई को क्यों बैन किया, उसकी जगह देश विरोधी गतिविधियां हैं तो उसका साक्ष्य सामने रखना चाहिए। बैन लगाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बैन लगाया उन्होंने उन सीएफआई के खिलाफ, उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को।
और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। जब बैन लगा, खबर लखीसराय से है जहां प्रखंड पंचायत विकास योजना निर्माण कार्य हेतु जिला पंचायत संसाधन केंद्र के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, संघ प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण प्रखंड राज्य कार्यालय में दिया गया। इस दौरान पंचायत समिति सभी सदस्य मौजूद रहे। लखीसराय जिले के सूरगढ़ा में शहीद चौक पर शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस जयंती को मानते हुए शहीद भगत सिंह को माल्यार्पण किया गया और उन्हें याद कर उनकी जीवनी को भी बताया गया। 28 अगस्त 1907 को शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्म हुआ। उन्होंने जाति धर्म छोड़ करके अपने युवा काल में ही देश के लिए देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। यह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे और इन्होंने किसी से कोई भेदभाव किए हुए नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर देश के कई राज्यों में 75 की संख्या में युवा और युवती संयुक्त बाइक रैली में कैमूर पहुंचे। जानकारी के अनुसार इस बाइक रैली की शुरुआत दिल्ली से की गई, जिसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाइक रैली में 64 युवा व 11 युवतियां शामिल हैं। ये सभी लोग देश के हर एक राज्यों से जुड़े हुए हैं। यह सफर 75 दिनों का है, जिसका मकसद देश के हर एक राज्य में बाइक रैली से परिक्रमा कर आजादी में शामिल वीर शहीदों को नमन करना है। बाइक रैली में शामिल अमृता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। शुरुआत हमने दिल्ली से किया था, जिसका फ्लैग ऑफ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों से हुआ था और इसका समापन भी हम 24 नवंबर को दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन में करने वाले हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है मोहन बोरसे, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। नमस्ते, मैं अमिता सिंह, बिहार मेरी जन्मभूमि है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिहार में घुस के। हम लोग निकले दिल्ली से हैं और ये हमारी जो परिक्रमा है अपने स्वतंत्रता सेनानियों का और शहीदों का नमन परिक्रमा है और पूरे राज्य से हम लोग हैं और पूरे राज्य के भ्रमण पे हैं और सभी उस जगह को हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी हम लोग को दिलाई है। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। खबर लखीसराय से है जहां शराब के नशे में अपने घर में विवाद कर छत से कूदकर अपनी जान दे दी। युवक को कम्युनिटी सेंटर रामपुर चैनल लाया गया, जहां डॉक्टर ने एक्सीडेंट का मामला जान उसे लखीसराय सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें कि इस मामले में एक तरफ चिकित्सक ने युवक को अस्पताल में ट्रेन से धक्का लगने की बात कही तो वहीं परिजनों ने शराब पीकर छत से कूदने की बात बताई। छत पर से गिर गया। कैसे? पीले था, पी खा के लड़ाई झगड़ा करके कोठा पर चढ़ गया। कहा कुछ जाएंगे, कुछ जाएंगे, बा कुछ जाएंगे। क्या नाम हुआ इनका? दिलीप सिंह। खबर बक्सर से है जहां पर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि मामला 25 सितंबर की रात का है, जहां कुछ युवकों द्वारा स्टेशन के बाहर युवती का अपहरण कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। बाद में युवती को युवक छोड़कर भाग निकले। युवती स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंची। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को दी, पर पुलिस ने टाल मटोल कर दिया। लेकिन जब ये खबर मीडिया में प्रकाशित हुआ तो कई स्थानों में पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला का बयान दर्ज कर लिया। वहीं इस मामले पर नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी जांच की जा रही है, महिला की रिपोर्ट आने का इंतजार है और महिला के द्वारा कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामला स्टेशन से जुड़ा है, इसलिए जीआरपी ने इस मामले में बयान दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे आपके साथ? 3 लड़के थे। कहाँ लेकर आपको गए थे? देहात क्षेत्र में ले गए, धान के खेत में ले गए, जंगल में ले गए और जैसे गलती काम करके छोड़ दिए कुछ दूरी पर। आपने जब आपको लेकर जा रहे थे, आपने विरोध नहीं किया? विरोध
विरोध किए हैं, जो हम बोले बोले कि तुम्हारा जैसे अंधार होगा तैसे ही तुमको मतलब बैठा के लेकर जाएंगे, मतलब हम लोग बोले वो बोले काट देंगे तो हम ही बोले काट देंगे। खबर भागलपुर से है जहां के नवगछिया में आरोपियों ने युवक को गोली मारी। बता दें कि बीहपुर दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा की संध्या आरती कर घर जा रहे थे। युवक को बाइक पर घुमाने का बहाना करके कहकर ले गए आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से रेफर कर दिया गया। साथ ही इस मामले की जाँच में पुलिस जुट गई। बोला बैठो अगर यहाँ पे हमको जबरदस्ती बैठा के कहला के मकान हट रहा है उसमें ला जाके चार अपराधी मिल के हमको गोली मार दिया। गाँव का ही चारों है। कोई पुराना रंजिश था? कोई पुराना रंजिश नहीं। उन लोगों की मन में है परक्स पीता है, दारू गजा पीता है, हमको मारने के लिए क्या मिला उसको भगवान जाने। कहाँ पर? गौरीपुर। गौरीपुर में कहाँ पर? थाना बेपुर कर्रू है, अड्डा है, बर भी गया है, उस जगह ले जाकर हमको मारा। खबर आरा से है जहां दहेज लोभियों ने बुलेट गाड़ी और महज चंद रुपए के लिए एक गर्भवती महिला की निर्मम हत्या कर दी। घटना जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के बरौली गांव का है जहां मृतका के मायके वालों ने उसके पति समेत ससुराल के लोगों पर गला रेत कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना को अंजाम देने के बाद मृतका के पति समेत ससुराल के सभी लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वही मामले की जानकारी मिलते ही मुफसिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मृत विवाहिता के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। धार हथियार से गर्दन काट दिया। कौन काट दिया? इनके घर वाले, इनके पति, सास, देवर। किस लिए? वो दहेज के लिए इनको प्रताड़ित करते थे। क्या मतलब दहेज में क्या मांगते थे? दहेज में पैसा और जो गाड़ी लोग मांगे थे हम लोग दिए थे। वो बोल रहे थे कि आओ पैसा तार बाबू कम देले वालन। कितना दिए थे आप? हम लोग 4 लाख रुपया गाड़ी सिकरी। अच्छा, और कितने की मांग कर रहे थे? और लोग और 2 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद से परेशानी कर रहे थे? शादी के 2-3 महीने के बाद से ही परेशानी वो लोग कर रहे थे। अच्छा। हम लोग गए थे लिया लाने के लिए, लेकिन ये गर्भ से थी इसलिए वो लोग दिन नहीं धरे, हम लोग नहीं लिया पाए। खबर नालंदा से है जहां भक्तियार रेलगढ़ में हसनपुर सूर्य मंदिर तालाब के पास ट्रेन से कटकर गया 21 साल के युवक की सुसाइड कर ली। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही परिजन को जानकारी दी गई और आगे की जाँच में पुलिस जुट गई। सब परिवार में अच्छे से था और अच्छा सा चल रहा था, कोई तरह का कोई दिक्कत इसको नहीं था। और ये पटना पुल पर जा रहा था या कैसे गिर गया ट्रेन पर से या कैसे की घटना गया? कौन ट्रेन से? कौन ट्रेन से जा रहे थे? इंटरसिटी से। तो कहाँ ये घटना हुआ है? राजगीर स्टेशन पर? नहीं नहीं नहीं, हसनपुर के पास। कौन थे ये मृतक? मेरा बेटा। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।